वेलकम टू करियर अपॉर्चुनिटीज। यह वीडियो SI के कैंडिडेट्स के लिए है। सो आप सभी की प्रिपरेशन तो काफी अच्छी चल रही होगी, पर SI में केवल रिटर्न से काम नहीं चलेगा। पुलिस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ऐसी है। यदि आप फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेस्ट है, बट यदि आपने ग्राउंड की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दी। अब सिंगम या दबंग मैडम सर सुनने में अच्छा लगता है तो ज्यादा मेहनत तो करनी ही होगी। अफकोर्स ड्रेस में 2 स्टार लग जाएंगे, तो बस लग जाइए मेंटली और फिजिकली हार्ड वर्क के लिए। इस वीडियो में सबसे पहले SI के फिजिकल का क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसमें रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल राउंड होगा। फर्स्ट इवेंट रेस का 800 मीटर मेल के लिए 2:14 वन चांस और फीमेल के लिए 3:30 वन चांस। इसके बाद सेकेंड इवेंट लॉन्ग जंप का होगा। इसमें मेल के लिए 13 feet 3 chances और फीमेल के लिए 10 feet 3 chances। इसके बाद थर्ड बॉल थ्रो, इसमें मेल के लिए 7.26 वेट 3 chances और फीमेल के लिए 4 kg वेट 3 chances। यह तो फिजिकल का क्राइटेरिया हो गया। अब देखते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। इस वीडियो में हम रनिंग के टिप्स, हाउ टू इंक्रीज योर स्टैमिना, ग्राउंड की प्रैक्टिस की कुछ टिप्स और रिलेटेड वीडियोस के बारे में बताएंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप है, यदि आप पहली बार ग्राउंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डॉक्टर से बात कर लें और फिर अपना फिटनेस प्रोग्राम बनाएं। इसके बाद ग्राउंड की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। प्रैक्टिस हमेशा ग्रुप में करें, 5 से 6 लोगों का ग्रुप बना लें या पर्सनल ट्रेनर भी हायर कर सकते हैं। स्टेप सेकंड है, अब ग्राउंड की प्रिपरेशन शूज से स्टार्ट करते हैं। मतलब आपके शूज कंफर्टेबल हो, यह बहुत जरूरी है, ना लूज हो ना टाइट हो। फिजिकल की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले देखें कि आप ओवरवेट तो नहीं है। यदि यस तो आपको वेट लूज करना होगा, बिकॉज इससे रनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड है, आप अंडरवेट तो नहीं है। यदि आपका वेट 52 kg से कम है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, फिर आपको फिजिकल का चांस नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इन बातों को ध्यान रख लें। स्टेप थर्ड है, यदि आपने रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है तो अभी से ग्राउंड की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। ग्राउंड पर एकदम से रनिंग स्टार्ट ना करें, वार्म अप कर लें, देन टारगेट बनाकर रनिंग स्टार्ट करें। एक जापानीज कॉन्सेप्ट है काइजन, इसमें कंटिन्यूस चेंज विद स्मॉल स्टेप, मतलब किसी भी चेंज को लाने के लिए थोड़ा थोड़ा चेंज करें। यदि आपने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं की है तो एकदम से प्रैक्टिस हार्मफुल हो सकती है। इसके लिए आप 2 steps को फॉलो कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप है, पहले दिन अपने स्टेमिना के हिसाब से 2 मिनट रनिंग करें। अगर आप 300 मीटर दौड़ पाए तो नेक्स्ट डे 300 से 350। डेली रनिंग से डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको टाइमर के साथ रनिंग स्टार्ट करनी होगी। नेक्स्ट इज स्टेप सेकंड, इसमें 800 मीटर को या तो स्लोली स्लोली दौड़कर या चलकर कवर करें और फिर टाइम को नोट कर लें। डेली उसे कम करने की कोशिश करें, जिससे आपका टाइम 2:30 में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 3 है, हाउ टू इंक्रीज अवर स्टेमिना। मॉर्निंग में रनिंग से 1 घंटे पहले बनाना शेक ले सकते हैं, इससे एनर्जी भी मिलती है और बॉडी को कार्ब्स भी मिलते हैं। सेकेंड है आफ्टर रनिंग डाइट, के लिए मूंग के स्प्राउट्स को ब्रेकफास्ट में शामिल करें और चने को रात में भिगो दें और मॉर्निंग में आफ्टर रनिंग खाएं। इससे आपको फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स मिलते हैं। इसमें विटामिन ए, बी और सी तीनों होते हैं। यह आपके लिए बेस्ट ब्रेकफास्ट हो सकता है। के बाद स्टेमिना के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, तो किशमिश को रात में गला दें और मॉर्निंग में खाएं। यह आपके स्टेमिना को बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। रनिंग की प्रैक्टिस हमेशा ग्राउंड पर करें, डामर की रोड पर आपका स्टेमिना कभी नहीं बनेगा। रनिंग के टाइम किसी भी फ्रेंड की बराबरी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, टारगेट बनाकर फोकस करके तैयारी करें। ग्राउंड से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें एक चैनल मिला है प्रेम मिश्रा का, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को क्लिक करें, इससे आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल जाए। और वीडियोस बनाने से लेकर हमारी टीम का मोटिवेशन बना रहे, इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें।
फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।